अलीराजपुर जिले के जोबट थाने पर धर्मांतरण को लेकर प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पूरा मामला नेतड़ा गांव का है और यहां पर इस पूरे मामले का खुलासा वहां के सरपंच विजय कछवा ने किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वहां पर एक घर में कई लोगों को इकट्ठा कर एक शख्स कथित रूप से अवैध धर्मांतरण का प्रयास कर रहा था। इस दौरान विजय और उसके साथी पहुँचे और उसे एक वीडियो भी बनाया। ये वीडियो हम आपको साइड में तस्वीर में दिखा रहे हैं जिसमें कई लोग इस तरीके की गतिविधि में लिप्त हैं जिसे अवैध धर्मांतरण कहा जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जिसमें अवैध धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियां होने का आरोप है। साथ ही यहां पर नॉनवेज भी बनाया गया था जो कि तस्वीरों में आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। विजय के द्वारा इसकी सूचना जोबट थाने पर दी गई और पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँची तो दो शख्स जो अवैध धर्मांतरण के काम में जुटे थे उनमें से एक शख्स पकड़ा गया और एक शख्स फरार हो गया। पकड़ा हुआ शख्स कौन है तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं, जिसे पुलिस रिमांड के लिए लेके जा रही है, कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, रिमांड की मांग करेगी। इस पूरे मामले में खुलासा करने वाले सरपंच विजय का क्या कहना है पहले वो सुन लीजिए। ये क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बैठक रखी ग्राम नेतड़ा में और अमर सिंह पिता गुल सिंह के घर में, और ये काफ़ी समय से चल रहा था और हम उनको समझाइश देते देते बहुत समय हो गया। फिर हमने फिर ये नहीं मान रहे तो अपन ने थाने पे आके सूचना दी और पुलिस जाके न अमर सिंह को उठा के न थाने पे लाए। कितने आरोपी इस मामले में? फिलहाल में दो। क्या क्या जब्त हुआ वहाँ से? जब्त तभी उसको उनको उठा के लाए और वहाँ का जो मटन बना हुआ था और चावल और वहाँ का वीडियो है जो। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी FIR हो गई है। चंगाई सभा धर्म परिवर्तन की सभा में रख के और उनको लालच दे के धर्मांतरण का मामला जी। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। जैसे ही अवैध धर्मांतरण का मामला जोबट थाने में सामने आया, आरोपी को जोबट पुलिस लेकर पहुंची तो जोबट थाने पर हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोग भी पहुंच गए और उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों की ओर से भी एक आवेदन दिया गया जिसमें सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों का क्या कहना था वो भी सुनिए। मैं हिंदू युवा जनता संगठन अलीराजपुर जिला मंत्री रंजीत बघेल। हमने आज ग्राम नेतड़ा में चंगाई सभा जो क्रिश्चियन की तरफ से होती है वहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था, जहाँ पर हम औचक पोछे पटेल जी के माध्यम से गांव के, तो वहाँ से हम पादरी को लेके आए और थाने पे सौंपा गया। उसमें एक पादरी अभी फरार है तो हम चाहते हैं संगठन के माध्यम से कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और उनके धारा पर उन पर कार्रवाई की गई। अभी तक धारा तो बताई नहीं है, एक को लेके आए हैं पादरी को। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SDOP नीरज नामदेव के अनुसार उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर अन्य उसके साथी की तलाश की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस ने किस मामले में FIR दर्ज की है, किन धाराओं में की है, सुनिए SDOP साहब का बयान। आज दिनांक 2/1/2024 को जोबट थाना अंतर्गत ग्राम नेहतड़ा के पटेल विजय कहुबा अपने कुछ ग्रामवासियों के साथ थाने पर उपस्थित आया, एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि गांव का ही एक अमर सिंह पिता गुल सिंह है जो कि धर्मांतरण संबंधी अवैध गतिविधियां विगत एक वर्ष से संचालित कर रहा है। उसके आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेकर और गांव के लोगों के बयान लेखबद्ध किए गए और उन्होंने हम लोग को एक वीडियो भी दिखाया। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि धर्मांतरण जैसी गतिविधियां वहां पे संचालित हो रही हैं। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और इसमें थाना जोबट में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है और इसमें अभी इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी अन्य व्यक्ति भी सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध धर्मांतरण के मामले इलाके में लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में हिंदू संगठन जहाँ आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, वहीं प्रशासन पर भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए।